भारत 24 के खास कार्यक्रम भारत के मन की बात का काफिला फिरोजाबाद पहुंच चुका है। जनपद फिरोजाबाद के मन की बात आज हम इस अपने खास कार्यक्रम में जानने वाले हैं। फिरोजाबाद के अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर सामाजिक संगठन या पत्रकार संगठन, हमारे साथ तमाम गणमान्य मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजा दें और उसके बाद हम इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ अगर देखें तमाम गणमान्यों में तो सबसे बुजुर्ग मेरे चचा मेरे साथ मौजूद हैं। चचा क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई चचा? 86 साल। कितने दिनों से वोट डाल रहे हैं आप फिरोजाबाद? अच्छा, क्या लगता है इस बार फिरोजाबाद के मन में क्या है चचा? मन में जो सब पूरी पब्लिक की होगी मेरे मन में, सब भाई खड़े हैं सबके मन में होगी मेरे मन में, मतलब इन भाइयों के जो मन में है वो आपके मन में है? मन में सब, जब सब जाए सब होंगे तभी हम होंगे, हमको अलग कैसे हो जाएंगे भाई सब। देखिए, इसी को फिरोजाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के लिए माना जाता है क्योंकि फिरोजाबाद में तमाम चीजें कही जाती हैं, लेकिन ये मुस्लिम हिंदू एकता की एक मिसाल हम इसको कह सकते हैं। तो चचा क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि तीसरी बार अक्षय यादव मैदान में हैं, ठाकुर विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं और बसपा से अभी तक बसपा से अभी सत्येंद्र जैन सौली मैदान में हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लगता है? अब अरे इतना लंबा अनुभव हो गया, इतना लंबा समय हो गया तो जी, पर किसी अपने बिराने की कोई पहचाने नहीं आजकल। अच्छा, बड़ी बात तो ये है, कुछ कहता है कुछ करता है, अगर ऐसा नहीं है तो बता भाई साहब। हाँ, क्या लगता है, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ नीरू जी, क्या कह रहे हैं चचा आपसे पूछने के लिए कह रहे हैं, क्या ये ठीक बात है? सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तमाम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? गुड्डा भैया, क्या लगता है किस तरीके से इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखते हैं और फिरोजाबाद के मन में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं, तो उनके बीच में आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद के मन में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि एक आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा और हमारा प्रत्याशी भी मोदी जी की शक्ल पे दे रहे हैं, फूल है, लेकिन कहीं ना कहीं वेदना तो है समाज को लेकर। जैसे ठाकुरबाद काफी हावी है, हर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, थोड़ी सी वेदना है। और जी वैश्य समाज है, हमारे लोधी समाज है, और भी समाज के लोग हैं, वो टिकट का मौका नहीं दिया गया, एक पार्टी में नहीं रहे, बसपा से आए हैं और उनको मोदी जी ने टिकट दिया है करने के लिए, तो हम पार्टी के नाते वोट करेंगे, लेकिन वोट वैसे अपने अपने मन की बात है, वो जैसा चाहे। मतलब इशारों में सब कुछ कह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? प्रशांत सर। प्रशांत जी, क्या लगता है इस बार फिरोजाबाद के मन में क्या है, लोकसभा का चुनाव है, फिरोजाबाद का मन क्या कहता है? फिरोजाबाद का मन, अभी तक तो पीछे सांसद रहे हैं, कभी दिखाई नहीं दिए, अब जो सांसद काम करेगा, विकास करेगा, कार्यकर्ता का सम्मान करेगा, वही इस फिरोजाबाद पर राज करेगा। इसको देख के तीन प्रत्याशी मैदान में है, कौन सा ऐसा लगता है जो काम कर सकता है आपकी नज़र में? जैसा आपने कहा कि पूर्व के सांसद ने काम नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर चंद्रसेन जाधव का आपने जिक्र किया, उन्होंने काम नहीं किए, तो अब इस समय तीन लोग मैदान में हैं, ऐसा कौन सा आपकी नज़र में है जो काम कर सकता है? काम तो देखो डबल इंजन की सरकार है, काम तो बीजेपी का सांसद ही करेगा। तब भी तो डबल इंजन की सरकार थी, तब थी, पर वो बुजुर्ग थे, देखे सकते हैं जी, अभी सच्चावादी है और अच्छे सांसद चुन के आए हैं, ठीक काम होगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बीएसपी से 14 का चुनाव लड़े थे, बीएसपी के रहे हैं, भाजपा के किसी आदमी को टिकट नहीं मिला, ये विरोध के स्वरूप है, कैसे देखते हो? ठीक है, पार्टी में आ गए, बस बीजेपी के हो गए अब तो। अच्छा, बीजेपी के हो गए, क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा नाम है। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव को, फिरोजाबाद के मन में क्या है? देखिए, फिरोजाबाद में आप इस महीने में खड़े हुए हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, एक जमाना बीता वो हुआ करता था कि इस महीने में यहाँ फिरोजाबाद नगर पालिका के सामने मटके फूटा करते थे, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाए जगह जगह, जहाँ वो प्रचार करने जाते थे, चेयरमैन राकेश दिवाकर चुनाव लड़ रहे थे तो नारा लगता था कि अखिलेश भैया आएंगे मीठा पानी लाएंगे। उसके बाद में ये हुआ
कि 668 करोड़ की डेढ़ा जाल परियोजना इस फिरोजाबाद को माननीय अक्षय यादव ने लाने का काम किया। उसके बाद बीजेपी तो कहती है उन्होंने किया है, कांग्रेस कहती है कि राज बब्बर के समय में पत्राचार हुआ, आखिरकार सच्चाई क्या है? देखिए राज बब्बर जी ने काम किया था फिरोजाबाद को, तमाम काम किए थे, वो मेरी विरोधी विचारधारा थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसकी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछले जो उनके सांसद थे डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी, उन्होंने काम किए थे, उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में सारे देश के ठेके बंद थे, उनके बेटे ललित जादौन ठेकों के बंद में जनता की सेवा कर रहे थे शराब बेचकर, फर्जी शराब बेचकर। दूसरी चीज पूरे जिले में मैं आपको ऑन कैमरा ये कह सकता हूँ, एक पटिया उनकी लगी दिखा दीजिए, मैं उनकी गुलामी करूँगा। शिकायत क्यों नहीं हुई? पटिया तो बहुत सारी लगी हुई है। पुराने कामों पे भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि जेड़ा जाल, वो तो अपनी उपलब्धि बताते हैं, जेड़ा जाल भारतीय जनता पार्टी, ये जेड़ा जाल परियोजना का प्रारूप नहीं बता सकेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता खड़े हुए, जेड़ा जाल का पानी फिरोजाबाद में आता कैसे है? चलिए आप तक दोबारा लौट के आऊंगा, और भी मेरे साथ लोग मौजूद है। सर आपका क्या नाम है? सौरभ लहरी। लहरी जी, क्या लगता है फिरोजाबाद के मन में आके क्या है? तमाम भाइयों को आप लगातार सुन भी रहे हैं, आपके मन में क्या है फिरोजाबाद के मन में? देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का। इसमें जिला फिरोजाबाद की मैं बात करूं तो जिला फिरोजाबाद में हर समाज के हर परिवार में कई लोग होते हैं, तो फिरोजाबाद में भी कई समाज से लोग जुड़े हैं और लगभग हर संख्या में लोग हैं। लेकिन बात करूं मैं ब्राह्मण समाज की और अपनी, तो ब्राह्मण समाज लगभग यहाँ 2.5 लाख के समथिंग है और उसमें लगभग 25 साल से कोई नेतृत्व करता नहीं है यहाँ फिरोजाबाद में। कितना है, कितना है? 2.5 लाख के लगभग। लोगों की कहने ही क्या है, जो कहना है वो कहते रहे, जिसको जो कहना है, लेकिन हम अपनी जमीनी स्तर से बता रहे हैं। तो अपनी संख्या क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? संख्या हमारी गिनाने लायक ही नहीं छोड़ते हमें, हमारे नेता वरिष्ठ नेता हमारी गिनाने लायक नहीं छोड़ते। मैं आपको जीता जागता उदाहरण अब मैं आपको बता रहा हूँ। हमने एक कोशिश की कि क्यों ना फिरोजाबाद से एक सांसद ब्राह्मण बनाया जाए, ये ब्राह्मण जनप्रतिनिधि बनाया जाए, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और केंद्र स्तर तक हमने पूरा प्रयास किया। 10-10 बार 15-15 बार गए उनके पास, जहां हमने उनके कार्यालय पर जाकर 400 किलोमीटर दूर चलकर 4-4 घंटे इंतजार कर मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से व्यथित होकर इस बात को कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोटों के कारण आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनको समय नहीं है ब्राह्मणों की बात सुनने का, समझने का। लेकिन मैंने कल ही पोस्ट देखी थी, ब्राह्मणों के वोटों को लुभाने के लिए यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं, उन पर समय नहीं है सुनने का। मैं खुद उसका जीता, मैं डायरेक्ट ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री, उनके पास समय नहीं था, 4 बार हम खुद गए, मैं खुद गया, अपनी वेदना रखी साहब, एक बार तो नेतृत्व के लिए आप दे दीजिए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। लेकिन हमारे शिक्षाविद जो भाजपा को टिकट दी गई है, माननीय विश्वदीप सिंह जी एक शिक्षाविद हैं, प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र में काफी हैं, और शिक्षाविद होने के नाते तो अब ईश्वर तय करता है क्या होगा। चलिए आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन हमारे पास और भी गणमान्य मौजूद है। क्या लगता है सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं और आपको हर कोई जानता भी है, वेदना भी है ब्राह्मण समाज की वेदना, उधर आप युवा की वेदना सुन रहे थे, आखिरकार क्या चक्कर है आपके पूर्व सांसद ने विकास क्यों नहीं किया? विकास भारतीय जनता पार्टी ने चौमुखी विकास किया, डबल इंजन की सरकार है, फिरोजाबाद जितना विकास कहीं नहीं। आपके सांसद को ही किसी ने नहीं देखा? सांसद को किसी ने नहीं देखा, सांसद ने तो सबको देखा। कैसे देखा सर, जब सांसद जी को किसी जनता के व्यक्ति ने नहीं देखा तो सांसद जी ने कैसे कितनी जनता को देख लिया? वो तो कह रहे हैं उन्होंने दिखाई नहीं देता, लोग कह रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता, उन्होंने नहीं देखा, वो जिसका नजरिया है देखने का, अपना नजरिया सांसद हमारे बहुत सीधे सोचे। अब दूसरे सांसद के प्रत्याशी के विश्वदीप सिंह के रूप में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं देखती, भारतीय जनता पार्टी अपना विकास देखती है, मतलब सामाजिक आंकड़े की लगातार, सामाजिक आंकड़े को लेकर लगातार युवा बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के 3-4 युवा यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आगरा मंडल के अंदर 2 ठाकुरों को टिकट दिया गया, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, वर्मा समाज, आखिरकार अन्य समाजों को मौका कब मिलेगा? देखिए ये तो अवसर तो कभी कभी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। हो सकता है कि जैसे 11 खिलाड़ी खेलते हैं भारतीय टीम में, चयन हो जाता है 11 खिलाड़ियों का, उनसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी कहीं पीछे रह जाते हैं, भाग्य भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं जी। हाँ, उनकी जिनकी वेदना है, उनकी वेदना अपनी जगह जायज है,
वो गए होंगे, प्रयास किया होगा, प्रयास करना भी चाहिए, हर आदमी का मन होता है लोकतंत्र में। मतलब ऐसे ब्राह्मण नेता भी आपको कहा जाता है, ब्राह्मण नेता होने के नाते आपसे अगर पूछूं तो क्या जो ब्राह्मण समाज के युवाओं ने कहा, क्या ब्राह्मण समाज को मौका नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए था, लेकिन हम नहीं मिला है वो अलग बात है। अब जिसको मिला है मौका उसके लिए काम करेंगे, उसको जिताएंगे। सदा सदाया जवाब है, साफ साफ नहीं कहते नजर आ रहे हैं आप। सर आपका क्या नाम है? कुलदीप शुक्ला जी, क्या लगता है फिरोजाबाद के मन में आके? देखिए, अभी महामंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो यहाँ पे है, जो दिखाई नहीं दिया, मतलब जो जनसन जाधव जी थे अभी आए। देखिए एक चीज़ ही बात है, यहाँ पे यहाँ टोटल मिला के 2020 मैच IPL चल रहा है, यहाँ किस के बीच में चल रहा है ये समझ लीजिए। मैं IPL में क्यों कहना चाह रहा हूँ उसकी बात समझ लीजिए कि IPL चल रहा है यहाँ पे, यहाँ देश नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे टीमें लड़ रही हैं। एक देश के अंदर में जातिगत धारणा के छोड़ के इधर उधर जाके कभी BJP से जो आगे बसपा से आगे उनको लड़ा दो, कभी सपा से लड़ा दो, कभी इधर से लड़ा दो, मतलब जो देखा जाए कि जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ। आज BJP वाले कुछ नहीं कह पा रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं कह पा रहे, खुद भी नहीं कह पा रहे, मन में लगता है कि टीस हमारे समाज से कोई हो जाता है। अब कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि इनकी अब ये मजबूरी है कि पदाधिकारी भी रहे हैं तो इसलिए नहीं कह पा रहे, ब्राह्मण भी हैं तो कुछ कुछ कह पा रहे हैं, मतलब उल्टा है अंदर। हाँ, मतलब एक चीज देखिए, क्या हमारे BJP में, जैसे मैं जब 8th में था तब से RSS में जुड़ा रहा, 98 में आके थोड़ा सा छोड़ने की मजबूर होना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि अब RSS और BJP की बात छोड़ दी जाए तो जो बाहर से लोग आते हैं, मतलब क्या हमारे इस पूरे फिरोजाबाद में देखा जाए तो एक दादाजू जी को छोड़ दिया जाए, दादाजू जी के बाद कौन से ऐसे प्रतिनिधित्व फिरोजाबाद के रहे हैं असीजा जी और दादाजू जी के अलावा? और असीजा जी ने छीनी है, मैं तो बहुत स्पेशली कहता हूँ, BJP ने दी नहीं है कुछ भी, छीना है जो कुछ भी है। अच्छा, असीजा जी ने जो कुछ लिया, नहीं दिया तो निर्दलीय हुए, निर्दलीय नहीं होगे तो ले लो, लेना है तो ले लो, नहीं अपने जैसे भी करना है ना। तो क्या हमारे पास दादाजी के अलावा एक ऐसा प्रतिनिधि नहीं बचा जिससे हम वहाँ का प्रतिनिधित्व करवा सकते और ले सकते थे? ब्राह्मण की तो बहुत दूर बात, जैसे भाई साहब ने कहा 250,000 जी, 1,38,000 है। चलिए मैं आता हूँ आपके पास लौट कर आता हूँ। आपका क्या नाम है? कटेरिया जी, क्या लगता है शुक्ला जी जो कह रहे हैं, कितना दम है? शुक्ला जी के व्यक्तिगत अपनी सोच है, हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपना सिद्धांत होते हैं, तो उसी तरह वो भी अपनी बात रख रहे हैं। फिरोजाबाद के मन में क्या है? अब मैं सच कहूँ तो थोड़ा सच कड़वा होता है। फिरोजाबाद के मन में क्या है, शायद मुझसे ज्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हो। और नहीं, आप बता दीजिए ना, हम नहीं जानते, आप बता दीजिए। फिरोजाबाद का एक एक जनमानस जानता है कि फिरोजाबाद के मन में क्या है, क्या है? फिरोजाबाद के दिल में क्या है? फिरोजाबाद के मन में ये है कि लगातार 2019 के बाद जिस तरीके से जो हमारे वर्तमान सांसद जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र में अपना चर्चा का जो केंद्र बनाया है, लोग उनको देखते हैं कौन है सांसद, तो मुझे नहीं लगता लोग आज किसी बच्चे या किसी समझदार व्यक्ति पूछे सांसद कौन है फिरोजाबाद, तो मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति जवाब दे पाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो फिरोजाबाद के मन में क्या है? फिरोजाबाद के मन में है, सबसे जो सच्चाई है फिरोजाबाद के मन में है कि फिरोजाबाद को जब कड़ाके की दिसंबर जनवरी, आप घुमा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिरोजाबाद के मन में आखिर क्या है? एक मिनट रुकिए आप, जब दिसंबर जनवरी में कड़ाके की सर्दी हुआ करती थी, करबला से लेकर नई बस्ती छपेटी से नया रसूलपुर से लेकर हुंडा वाला बाग, ऐसा शहर का कोई मोहल्ला नहीं था जहाँ पानी की समस्या नहीं हुआ करती थी, और कड़ाके की सर्दी में लोग मटके फोड़ते थे। तो फिरोजाबाद के मन में है, जिन्होंने हमें मीठा पानी देने का काम करा, हम 2024 के चुनाव में उसी व्यक्ति को चुनने का काम करेंगे। किसको? क्या नाम है आपका? संजीव उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सवर्ण महासभा। अरे वाह, क्या बात है। तो सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब आप, क्या लगता है तमाम सामाजिक लोग आपके ही सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज कहें या अन्य समाज कहें, जैन समाज कहें या वैश्य समाज कहें, वेदना व्यक्त कर रहे हैं और आप खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कारण? सवर्ण प्रत्याशी यहाँ बना दिया गया, किसी दल ने सवर्ण को टिकट नहीं दी, यही तो देखना है कि हमको टिकट कौन दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना के दिखाया, इसलिए यहाँ छत्तीस समाज को टिकट दी है, तो भारतीय सवर्ण महासभा छत्तीस समाज के साथ रहेगा और भाजपा का समर्थन। मतलब आपके सवर्ण समाज ब्राह्मण भी आता है, लेकिन कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार सवर्ण समाज में आते हैं, और ब्राह्मणों की टिकट की बात रही
तो पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट काट के, अरे आगरा मंडल की बात कीजिए ना नेताजी, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्यारह के तीन आगरा मंडल में खड़े पीलीभीत पर लगा दी गई, बसपा से नितिन पांडे छोड़ के आया, उसको भाजपा ने टिकट दे दी पांडे को, तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो इसकी कहीं ना कहीं सीमा रखी जाती है। आगरा मंडल में दो दो ठाकुरों को दे दी, अरे दे दी, अब जो ब्राह्मण को क्यों, अभी जो बात की गई तो क्षत्रिय मैं ये नहीं कह सकता, मेरे लिए ठाकुर बात चल रहा है, वो ब्राह्मण महासभा चला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं सवर्ण महासभा ठाकुर बात नहीं चल रहा, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं चल रहा, आप ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हमारे लिए तो एक गर्व की बात है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हमारा पाठक जी है, मुख्यमंत्री हमारे सवर्ण है, तो हमारे लिए गर्व, चलिए आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं सर, आपका क्या नाम है? मैं सत्यवीर गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। कलिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि आपने लोकतंत्र की जो प्रथम जो चौथा पहिया होता है, स्तंभ होता है, मीडिया के माध्यम से मन की बात जनता की जानने का प्रयास किया है। तो बता दीजिए फिरोजाबाद के मन में क्या है? मन की बात समझ लीजिए आप कलिया जी, अक्सर दुनिया के लोग समय का चक्कर खाया करते हैं, कुछ नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे वाह, आपके मन की बात पूरे उत्तर प्रदेश में, मन की बात जनता के मन की बात, किसी ने कहा तो 80 में 80 सीट नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर योगी आदित्यनाथ पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 80 सीटों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं, ब्राह्मण समाज के कुछ नेता खड़े हैं, वह कह रहे हैं तमाम समाजों को भागीदारी नहीं मिल रही, यूपी में ठाकुरवाद आ गया, क्या कुछ है? देखिए, समाज को, हिंदू समाज को बांटने का काम कोई भी पार्टी करती है, वो अपने स्तर पर करती है, लेकिन वास्तव में मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके हित को ध्यान में रखे, सभी समाज हमारे पूज्य हैं, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, निषाद समाज हो, लोध समाज हो, राजपूत समाज हो, सब समाज हमारे पूज्य हैं, आज हमारे केवल और केवल कमल का भागीदारी, फिर भागीदारी क्यों नहीं मिल रही? भागीदारी सबको मिल रही है, जहाँ जिसकी जिसकी लोग कह रहे हैं ना, नहीं देखिए, जो हमारे कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, मैं उनकी बहुत बहुत सम्मान, अच्छा आपके ही समाज, आपके ही समाज के लोग कह रहे हैं वैश्य समाज को सम्मान नहीं मिला, आप तो लंबे समय से भाजपा में संघर्ष कर रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, आपके समाज को क्यों सम्मान नहीं? देखिए, हम तो जनसंघ के काल से, हमारा समाज जनसंघ का दीपक जलाया करता था, आज विश्व का दीपक जलाने के लिए विश्व दीप कमल खिलाने आए हैं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है, समाज को इस प्रकार की वेदना नहीं रखनी चाहिए, मोदी जी ने केवल देश को राष्ट्र को सर्वोच्च रख के अपने परिवार को छोड़ा, मतलब मोदी जी के चेहरे, मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर, मोदी जी का ही चेहरा है, और फिरोजाबाद की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का विकास, चलिए अगर होता मोदी जी के नेतृत्व में, आपके पास लौट के आता हूँ, और आप जिले की बात पूछ रहे थे, जिले की बात, जिले में मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, केवल एक सांसद का काम गिना दे बीजेपी वाला को, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और रही हमारे छोटे भाई मोहित शर्मा ने बात कही थी झेड़ा झाल का पानी, आपका जवाब था कि बीजेपी वाले मुझे कहते हैं, तो बीजेपी वाले कोई शासनादेश ला के दिखाते इन्होंने काम किया है ना, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया ना, 100 सैया बनाया ना, मेडिकल कॉलेज बनाया ना, 3 ब्रिज बनाए ना, झेड़ा झाल लाए, ये लोग पट्टियाँ लगाने का काम करते हैं, मोदी जी और बीजेपी केवल अडानी अम्बानी का काम करती है, देश के लिए काम कर रही होती तो जीडीपी कहाँ है, देख रहे हैं महंगाई कहाँ है, मालूम है पेट्रोल डीजल कहाँ है, गैस सिलेंडर कहाँ है, नौकरियाँ कहाँ है, रोजगार कहाँ है, देश किस स्थिति में है आपको मालूम है, बात मुद्दे की क्यों नहीं करते हैं आप? आपके मुद्दे नाली बना के नाला बना के किसको टिकट मिला, अरे किसको मिला यार टिकट, किसी को मिला, देश में विकास हुआ या नहीं हुआ? आपके मुद्दे की बात का सवाल मैं जरूर पूछूंगा, मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं देश की, ये देश के लिए चुनाव है, फिरोजाबाद के लिए चुनाव है, जनाब के मैं काम में करो तो कोई विकास नहीं हुआ, काम में कोई विकास नहीं हुआ, बीच में नहीं आएगा, कोई विकास नहीं हुआ, आपकी बात का जवाब मैं, जिले में कोई विकास नहीं हुआ, आपकी बात, सांसद को कोई जानता ही नहीं है, आपकी बात का मैं जवाब ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो शब्द इस्तेमाल कीजिए ये थे गोदी मीडिया, उन शब्दों को आप वापस लीजिए, अच्छा उन शब्दों को वापस लूं तो आपने, अरे तो इसमें किसी का जी मोहित जी,
आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी को इस कार्यक्रम की सूचना नहीं थी? सभी दलों की थी, सामाजिक पटल पर थी, सभी को सूचना थी। किस तरीके से कह रहे हैं? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, मैं आपसे थोड़े से समय चाहूंगा जी। जो अभी सवर्ण महासभा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो शब्द कहे थे, मैं उन पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। तो सवर्ण प्रत्याशियों में केवल एक ही समाज का ठेका है, ये जो लगभग 10 साल से और उससे भी बीते कुछ समय से मंगल पांडे की प्रतिमा का की मांग कर रहे हैं आदरणीय संजीव उपाध्याय जी। क्या पिछले 5 सालों में मंगल पांडे की प्रतिमा लगी? जबकि फिरोजाबाद जिले में 4 पॉइंट पे महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगाई जा चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब मैं करता हूं बात सवर्ण प्रत्याशी पे, जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर समाज से, जिले के एक जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर समाज से, एक ब्लॉक प्रमुख ठाकुर समाज से, एक पिछले जो सांसद थे वो ठाकुर समाज से, एक कैबिनेट मंत्री जनपद से, भले ही दूसरे जिले में है लेकिन जनपद के रहने वाले हैं, ठाकुर समाज से। क्या इन्हीं का बहनामा है बाद बाकी समाज कुएं में गिर जाए? समाज को स्थान नहीं मिला, और निश्चित रूप से ये राष्ट्र का चुनाव है, यह एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। और राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही विकास दिया है और विकास देगी, और पूरे विश्व के अंदर भारतीय नरेंद्र मोदी ने अपना स्थान बनाया। कांग्रेस पार्टी ने तो विदेशों में जाके कुछ क्या क्या भाषण दिए, देश को नीचे दिखाने का काम किया, और इनका तो नेतृत्व जो नेता वो बेचारा है, वो खुद ही पूर्ण नहीं है अभी। रोहित जी की बात पर आपका स्थान नहीं मिल रहा, एक ही समाज की जो ठेकेदारी वो बता रहे हैं, परिवारवाद की बात सीधे तौर पर कर रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी पर आप परिवार भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सबके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वो तो ये कह रहे हैं पूरे परिवार, मतलब एक तरीके से देखें तो सिरसागंज में बैठे परिवारवाद देखना तो कांग्रेस में देखिए, सभी देखिए, ये परिवार की बात है, लालू का देखिए, इसमें समाजवादी का देखिए, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? एक सेकंड में कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डाला है, अब लड़ाई 15-85 की होगी, इसका मतलब 15% हमको नहीं चाहिए, चाहे ठाकुर हो चाहे बनिया हो चाहे बेस हो, हम 85% से चुनाव जीतेंगे। नहीं, हम नहीं मान रहे, इनकी पोस्ट की कटिंग बता रहे हैं, इनकी मानसिकता बता रहे हैं, फिर किस आधार पर व्यक्तिगत विचार हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं इनके 15% राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं इस बात को, 85% की बात। बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, ये कह रहा हूँ, ये लोग अभी कह रहे हैं कि सांसद मैं आपको इंडिया के चौथे स्तंभ हूँ, इंडिया में तो आप ये बताइए कि सांसद को गली गली घूमता है? सांसद का काम होता है बड़ी बड़ी योजनाएं लाना, बड़े बड़े काम करना। अभी एक साल बाद आपको फिरोजाबाद के अंदर कौन सा बड़ा काम किया? एक साल के अंदर आपको फिरोजाबाद के अंदर आज तक 70 सालों में ऐसा भव्य स्टेशन नहीं मिला हुआ जो भव्य स्टेशन बन के तैयार होगा। 544 स्टेशन बन रहे हैं, 544 पूरे इंडिया। अच्छा, उसमें फिरोजाबाद शामिल? बिल्कुल, 2011 में पास हो गया, 2011 में, 2011 में पास हो गया, मैं जितना 2011 में पास हो गया हूँ, 2011 में पास हो गया हूँ। सांसद जी का है, मोदी जी ने दिया है, 554 इन्होंने पास किए, 554 इन्होंने पास किए, आप पूछो इनसे। अरे डिबेट में नहीं आऊंगा, आपका क्या नाम है? देखिए, उदय विजय आगम मेरा नाम है, मैं त्रिवर्जन कल्याण महासभा से संस्थापक जी। देखिए, आज जो लोकसभा के मन में क्या है, फिरोजाबाद के मन की मैं बात बता रहा हूँ, फिरोजाबाद के मन के लोगों में आज दो विचारधाराओं का लड़ाई है, देश में भी दो विचारधारा की लड़ाई है, जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजनीति जाग रहा है और इंडिया जीत रहा है, क्योंकि पीडीए का मामला है, ये सर्वर समाज के लोग अपने आप को कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, वो कह रहे हैं ठाकुर, ये आप इसमें झगड़ते रहेंगे, लेकिन पीडीए के लोगों के लिए इसको चिंता नहीं है। देखिए, मोदी के चेहरे पे वोट पड़ा था पिछले 10 सालों में, लोगों ने इस बात से उम्मीद से वोट दिया था मोदी जी को कि मोदी जी पिछली सरकारों से अच्छा आके काम करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ऐसे खड़े नहीं उतर पाए। मोदी जी ने
किसी पिछड़े का, किसी भी दलित का, किसी भी अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम एक काम किया हो, यदि एक काम किया हो तो हमको गिना के दिखाए। क्या कह रहे हैं ये पड़ोसी आपके, क्या कह रहे हैं ये आपके पड़ोसी? जो ये कह रहे हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए कह रहे हैं। मेरा तो सिर्फ आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, प्रत्याशी वो चुनो जो विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, धर्म की बात न करे, क्योंकि देश जो है जब धर्म की बात होगी गड्ढे में जाएगा। तो कौन है ऐसा प्रत्याशी? धर्म की बात जो भी पार्टी करे, जो भी पार्टी धर्म की बात करे वो पार्टी, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, प्रबंधन की बात करे, उस पार्टी के किसकी विकास करना चाहिए? इतनी जनता खड़ी है, सब समझदार सब जानते हैं। अच्छे यादव ने चुनाव लड़ने से पहले 15,000 करोड़ का विकास किया था, आज तक किसी ने नहीं किया लड़ने से पहले। भाजपा के लोग भी बोलेंगे, भाजपा के लोग भी बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबरन जाटव है और मैं हमारे प्रिय भाई कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि भाजपा ने काम क्या किया है। तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी, 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में। अब मैं काम गिनाया था उसने लिए, पहले अगर हमारी बहन या हमारी माता प्रेग्नेंट होती थी किसी गांव या शहर में तो उस हॉस्पिटल तक लेके आते थे, तो बच्चा हॉस्पिटल में आके पैदा नहीं होता था, इतने गड्ढे होते थे कि रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता था, या तो बच्चा दम तोड़ देता था या वो मात्र शक्ति जो बच्चा पैदा करती थी वो दम तोड़ती। आज आप किसी भी सड़क को देख लीजिए, अगर आपको कहीं जाना है तो 2 मिनट लगती है हाईवे पर पहुंचने में, सड़कें इतनी टॉप की मिलेंगी आपको, हाईवे उस समाजवादी पार्टी में आ रही मिल नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी वाले और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, आप आज कानून देख लीजिए, आप अपनी तरफ नहीं आते कहीं। आज जिस प्रांगण में खड़े हैं, विकास की बात कर रहा हूँ, आज जिस प्रांगण में खड़े हैं, अभी कुछ ही समय पूर्व माननीय मंत्री जी ने यहाँ करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट फिरोजाबाद की गिनती आज चौथे और पांचवे शहर के रूप में होती है। क्या कह रहे हैं सोरन? श्रीमान जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर माना जाए तो 3 बार विधायक हो चुके हैं प्रदेश के स्तर पर, अगर देखा जाए तो देशों विदेशों में फिरोजाबाद एक बड़ा नाम है और एक चूड़ियों के व्यापार के नाम से इतना बड़ा औद्योगिक प्राधिकरण हमारे यहाँ लगा हुआ है, कितना विकास इस शहर में हुआ। अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सड़कों का विकास नहीं मानता, मैं विकास मानता हूँ व्यक्ति का। आज व्यक्ति का विकास मैं बता रहा हूँ ना आपको, सड़कों का विकास हो गया। सड़कों के विकास से आप छोड़िए, पहले व्यक्ति का छोड़िए, छोड़िए, आप आइए पहले। एक मजदूर 24 घंटे काम करता है, पता है आपको, 12 घंटे करने के बाद उससे 300 रुपए की झाड़ी मिलती है। आप विकास की बात कर रहे हैं और 45 दिन बाद उसको पैसे मिलते हैं, ऊपर से रेटों में पैसा आ रहा है, किलोट में मिल रहा है, राशन से 5 किलो में आप अपना पेट भर लेंगे तो मुझे बता दीजिए, आप भर लेंगे आपका परिवार चल जाएगा नहीं चलेगा? अब अच्छा फिरोजाबाद की मैं फिरोजाबाद में बता रहा हूँ, हमें यहाँ क्या चाहिए? औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बढ़ना चाहिए। इन जो जितने भी यहाँ औद्योगिक बैठी चूड़ी लगी है इनको चेंज करके जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन यहाँ 2-4 औद्योग आए उनसे कम से कम ये जो ब्लैक मनी हो रहा है, जो ब्लैक मनी पैसा जा रहा है ऊपर का पैसा, ये लोग चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं यार, ये चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, जो मैंने पिछली बात कही थी सबसे पहले तो में झांकना चाहिए कि कल समाजवादी पार्टी की थी तो कल तक वो समाजवादी थे, आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा ही है, किसकी तरफ इशारा है? कल जब बसपा की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में होगी तो वो बसपा में होंगी, इशारा किधर है? कहीं भी हो हाँ। दूसरी चीज तो समझ जाएंगे, खुद समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो समाजवादी पार्टी का नाम लेके बात कर रहे थे, ठीक है, ये कह रहे थे विकास, विकास पे मैं बात करता हूँ। विकास के लिए इन्होंने क्या किया है? 100 सही है मेडिकल कॉलेज हम लाए इस फिरोजाबाद में, मेडिकल कॉलेज हम लाए। विकास सड़कों की जो बात कर रही है, ये सड़कों का जाल माननीय अक्षय यादव जी मुख्यमंत्री उनके
भाई थे, इस वजह से इस फिरोजाबाद में आया था। इन्होंने केवल एक कोटला रोड की सड़क बम्बा से चनोरा तक जरूर बनाई है 5 किलोमीटर की। उद्घाटन तो किया किनका? उद्घाटन करने बीजेपी का काम ही यही है, योजनाओं का, दूसरे की योजनाओं का नाम बदल के नए मोड़ आ गए। अभी आरओ की बात कर रहे हैं, एक बात पूछना चाहता हूँ। परसों ही हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित राष्ट्रीय महामंत्री जी ने रामनवमी की, रामनवमी पे घर घर पूजा पाठ होते हैं, घर घर रामचंद्र जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है। वो माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी रामगोपाल जी श्रीमान कह रहे थे कि ये पाखंड है, ये पाखंड नहीं होना चाहिए। नहीं, या फिर धर्म की बात आ गई, धर्म की बात से परे बताइए। जो कह रहे हैं आरोप है, उन आरोपों पर सीधी बात करिए कि आखिरकार क्यों विकास नहीं हुआ, क्यों आपके सांसद दिखाई नहीं दिए, क्यों आखिरकार आपके यहाँ इस जिले की बात करें तो ठाकुरवाद हावी है। ये कहते हैं ये केवल गुमराह करने वाली बात है। अगर समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, हाँ विकास हुआ है, उनके परिवार का विकास हुआ है। 7 MP उनके परिवार में MP बनने जा रहे हैं, जाने को आपके मंत्री जी कौन? जयवीर सिंह ठाकुर जी, उनकी पत्नी, उनके बेटे की पुत्र वधु कौन? सहकारिता नहीं, बेटा कौन? सहकारी संघों बैंक का हुआ अध्यक्ष। तो ये परिवार की बात कर रहे हैं, इनके तो यहाँ पे खुद परिवार बात चल रहा है। बताइए, आप बताइए, ये जिस तरह की बात कह रहे हैं, देखो हर जनपद होता है, जो जिला पंचायत मतलब आपका परिवार बात, परिवार बात बिल्कुल नहीं, सामने वाले का परिवार बात, परिवार बात बिल्कुल नहीं है। मंत्री जी मैनपुरी से है, मैनपुरी से आज वो मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में अपने आप को पूरी टक्कर दे रहे हैं। परिवार के सदस्य तो है ना, परिवार के सदस्य है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये थोड़ी परिवार बात नहीं है, एक चीज बताइए, नहीं विकास हुआ है, देखिए विकास नहीं, नहीं मंत्री जी का विकास हुआ है, जब सपा की सरकार थी तो सपा में विकास हुआ था, जब बसपा की सरकार आई तो बसपा में विकास हुआ, और जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में विकास हुआ। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि कोई भी पद कैसे भी गलती से छूट न जाए, उसके बाद आपको संज्ञान में होगी। ब्राह्मण महासभा जो कहती है कि ब्राह्मणों को विकास नहीं होता, किस लिए नहीं होता, मैं बता रहा हूँ इस बात को। ब्राह्मण हम है, मैं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र से भी हूँ, हम लोगों ने एक हमारी जो हमें उत्पीड़न किया जाता है आशावाद पे, आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा, है ना, क्या एक ब्राह्मण समाज ने, और एक अगर विकास यही है तो ठाकुर चूंकि उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए एक व्यक्ति ने, SGM ने उसे 1.5 महीने चलाया, थनोगा उसे 1 महीने चला रहा है, सब 1 महीने चला, जब तक कोर्ट में नहीं पहुंच गया, जो कि नैतिकता के आधार पर, किसी आधार पर वो रास्ता नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो विकास तो परिवार का करना है, ठाकुरवाद का करना है, तो उसके साथ करना चाहते हैं। देव शर्मा नाम है और मेरे हालांकि बड़े हैं, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। मैं एक बात, किसने पक्ष रख दिया? भारतीय जनता पार्टी पक्ष रख दिया। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, मुझे चिंता इसलिए कह रहा हूँ, आज जो हमारे सांसद जी जो टिकट लेके आए हैं वो जिस तरीके से लेके आए हैं वो पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है। कैसे लेके आए हमें भी बता दीजिए, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता? मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरा पक्ष कहने दें, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे हम लोगों को फेस करनी, वीर गुप्ता जी को भी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, वो बात मैं कह रहा हूँ, कहिए जल्दी, कह दीजिए जल्दी, कह रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट तो दे दोगे। जी जी जी, पक्ष ये है, बात ये है कि फिरोजाबाद के कई लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने आवेदन किया, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था कि उन सभी को हाशिए में धकेल दिया गया? मजबूरी, मजबूरी वो लोग कारण नहीं, मजबूरी नहीं, मजबूरी ऐसा क्या कारण था आप उन सभी को हाशिए में धकेल दिया गया, और ऐसी कौन सी वो यानी कि क्या कहते खूबी उनमें थी जो उन्हें टिकट दे दिया गया? पहली बात ये, यदि ये प्रोसेस आगे भी लागू रहता है तो हम मेहनत नहीं करेंगे, हम साफ कह रहे हैं कैमरे के ऑन कैमरा, हम 5 साल बाद आएंगे, 5 करोड़ लाएंगे, टिकट ले जाएंगे, देव शर्मा सांसद बनेगा। ये कार्यकर्ताओं की वेदना है और ये बड़ा जटिल सवाल है, इस पर मैं छोटा सा कर रहे हैं क्योंकि आप पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता भी है, तो क्या लगता है इस तरीके से आपके ही कार्यकर्ता और उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे, 5 करोड़ कमा के लाएंगे और टिकट लेंगे?
देखिए भाजपा में पहली बात तो ये कैसे मिली क्यों मिली इस कारण में हम लोग नहीं जा सकते। भाजपा में सेंटर मिलते हैं कार्यकर्ता का टेंडर मिलता है इलेक्ट्रो कॉर्ड के लिए जिसको टिकट दे दिया उसके लिए ये आराम से अभी बात से मन से ढंग से काम करें। छोटा सा कमेंट ये कार्यकर्ता का आते हैं या वास्तविकता में क्या है? अब तो वास्तविकता तो सही है जो दर्द हो रहा है वो सही कह रहे हैं अपनी कह रहे हैं। हर आदमी चाहता है आज का अलग सिस्टम हो गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने कुछ शब्दों से कि लहजे में बदजवानी कि लहजे में बदजवानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं और जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हैं तो हमारा हिसाब क्या बात है। उनके खुद के वही खाते खराब है वो उनका हिसाब लिए फिरते हैं। क्या नाम है सरकार आपका? रविंद्र शर्मा लोकतंत्र सेनानी। सेनानी जी क्या लगता है जैसा कि भाई ने इतनी बेहतरीन शायरी कही लगाई थी जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसने मेरी जेल यात्रा की थी और माननीय मुलायम सिंह ने मेरा दिल किया था मैं वो लोकतंत्र सेनानी बनाया। वाह वाह क्या बात है बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या लगता है फिरोजाबाद के मन में क्या है और जैसा कि युवा ने एक शायरी के लहजे में एक फिरोजाबाद के मन में बहुत कुछ है। क्या कुछ है बताइए। यहाँ जातिवादी बात आप जो करा रहे हैं जातिवादी कोई बात नहीं हो रही यह बात केवल मन की हो रही है। यह मन की बात है भारत के मन की बात का कार्यक्रम है और जिसमें फिरोजाबाद के मन ऐसा नब्ज टटोलने का काम हम कर रहे हैं। अब आपके मन में क्या है आपका मन क्या है वो आप बताइए। मेरा मन मुझे कह रहा है कि जितने भी समाज जितने दल है सारे के सारे दल मोदी जी को गाली देते हैं और गाली का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। कैसे एनडीए के जो नहीं अभी एनडीए नहीं अभी बताऊंगा मोदी जी को जो मोदी जी से बैर हमेशा मानते हैं उनको सबको पता है और क्या होगा 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 सभी जानते हैं। क्या होगा 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 सभी जानते हैं। चाचा आप जानते हैं क्या अन्यायी अन्यायी भ्रष्टाचारी ना बच पाए और राम नाम का कर विरोध फिर बचताए। राम नाम रुपया राम नाम का कर विरोध फिर बचता है ये रावण कौरव कंस को ही पहचानते हैं। क्या होगा 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 और एक बात और बता दूं आपको जल्दी जल्दी देश में दो दीपावली होने वाली है ये सनातन की वो व्याख्या है। मतलब सारे त्योहार दो दो नहीं सारे कैसे होंगे दीपावली दो होंगी एक 22 जनवरी की होगी और एक जो कार्तिक मास में होती है 4 जून को होगी। एक नेचुरल होगी एक मैनमेड होगी। नहीं दोनों एक नेचुरल होगी और एक मैनमेड होगी। एक नेचुरल होगी एक मैनमेड होगी। मैं आपके पास लौट के आऊंगा क्वारंटाइन समय अंतिम विजय हमारी होगी ये निश्चित परिणाम है और नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है जिसके रक्षक राम है। चलिए अभी देखते हैं क्या नाम है सर आपका शर्मा जी। क्या लगता है तमाम लोगों की बात आपने सुनी यहाँ पर आपके कुछ भाई भी है यहाँ पर कैसे देखते हैं आखिरकार इस पूरे लोकसभा चुनाव को और फिरोजाबाद के मन में आखिरकार क्या बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जनता हूँ मैं बता दूँ ना मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ कांग्रेस को ना बीजेपी को ना सपा को जी। मैं लोकल फिरोजाबाद से हूँ यहाँ पे और मेरा जीवन फिरोजाबाद में हो गया। फिरोजाबाद की गंदगी इतनी मशहूर थी सारे लोग यहाँ जो खड़े मेरे भाई सब जानते करके झूठ बोलूँ तो रोक देंगे मुझे। गंदगी के नाम से जाने जाते थे फिरोजाबाद को। आज क्या स्थिति है आज सब लोग देख रहे हैं गंदगी शहर में दिखाई देती है आपको कहीं नहीं। गंदगी खत्म हो गई शहर में गुंडागर्दी कितनी थी आप बताइए मुझे। घर से बहन बेटी का निकलना मुश्किल होता था कितने सारे लोग अवैध कब्जे कर लेते थे प्लॉटों पे। बिल्कुल बिल्कुल अवैध कब्जे हो रहे हैं आशाबाद पे चले जाइए। अगर एक महीना में बता दें तो आप कहेंगे वो गली छोड़ के नहीं घर छोड़े मुख्तार अब्बास नकवी जैसे चले गए चले गए मिट्टी मिल गई सर इसको पीड़ा होती नहीं जो वही राम है पूरे समाज को ठीक क्यों नहीं करते आपके पास तो बिल्कुल ठीक होगा अरे बाबा का बिल्डो
सुनो भैया सुनो, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं ठीक है, आप जनता से, जनता से, जनता से मैं अभी अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है किसी को भी कोई भी, तो वो नोटा में दबाए, नोटा को ऑप्शन देती है सरकार, ठीक है, सभी पूरी निर्वाचन आयोग ने बोला है कि नोटा का बटन हमने दिया है, मतलब फिरोजाबाद के मन में नोटा भरना, हाँ नोटा भरने वाला है। और दूसरी बात, अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है, मेरी समस्या अगर देखा जाए, पहले प्रत्याशियों को देखा जाए कि प्रत्याशी आखिरकार, हम ये देखें कि हमारा प्रत्याशी है कौन, तो हमें जी समझ में आ रही, बीजेपी वालों से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अगर उनके प्रत्याशी बढ़िया थे तो वोट के द्वारा क्यों नहीं आई, और अगर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का अच्छा है तो फिर वो दोबारा आ जाए तो उसको जिताना चाहिए, काम किया है तो। मैं किसी पार्टी से बोल रहा हूँ, नोटा तो खत्म तो हूँ, मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाम से जाना, नोटा कई जगह कई प्रदेशों में मैं चुनाव प्रचार में गया हूँ, प्रवास में रहा हूँ, तो मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो किसी नेता के नाम से नहीं जानी जाती, वो जनता के नाम से जानी जाती, भारतीय जनता पार्टी जनता के नाम से जानी जाती है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखो जी को देखो, जल्दी जल्दी बताओ, एक मिनट देखो, एक मिनट पूरी बात की सीधा जवाब दे, नोटा की गफलत को कैसे दूर करेंगे, एक मिनट में बता पाऊंगा, देखो सुनो, नोटा की गफलत को कैसे दूर करेंगे, नोटा है, उन्होंने मेरी बात तो पूरी सुन लो, जैसे ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो 5 करोड़ या 10 करोड़ में टिकटें बढ़ती हैं, ऐसा भाजपा में कुछ नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 सीटें आई थी वहीं पे, भाजपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो अपने आप जनता बोल रही है नोटों से आया है, जनता बोल रही है नोटों से आया, उनके कागज बोल रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव में गया तो पश्चिम बंगाल की फिरोजाबाद की तो चंद्र सेन यादव जी को पता भी नहीं था कि उनकी लोकसभा की सीट हो जाएगी, क्यों नहीं मिली, एक वो कार्यकर्ता के नाते आज ये कह रहे हैं चंद्र सेन यादव जैसा ईमानदार और सीधा साधा सांसद ना है ना हो पाए, सांसद है और ना हो पाएगा, काम किया है, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें अपनी निधि ने बताऊ, ठीक है, दूसरी बात, अभी मेरे भाई कह रहे थे अपराध की बात कि बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, अब छेड़खानी नहीं होती क्योंकि गुंडे तो भाजपा में पहुंच गए ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश कौन से गुंडे पहुंच गए, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पड़ोस का जिला है, वहाँ पर गन पॉइंट पे बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए गए, योगी जी के बुलडोजर का तेल सूख गया, ठीक है, फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद की जनता की मन की बात है कि नेताओं के मन की बात है, फिरोजाबाद की जनता की मन की बात है कि नेताओं के मन की बात है, अभी अभी बता रहा हूँ, इनके ब्लॉक प्रमुख है आराम ब्लॉक से कमलेश राजपूत, इन्होंने जो कब्जे की बात करी, संदलपुर गांव चले जाइए, पूरा गांव लोधी समाज का, एक परिवार ब्राह्मण समाज का है, कमलेश राजपूत सत्ता की दम पे ब्राह्मण की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मैं नाम और नोट आपको देता हूँ, जाइए पता कीजिए भारतीय जनता पार्टी से, बार बार कह देते हैं हमें नहीं मालूम, जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, देखिए पूरी बात खत्म ना हुई अभी मेरी, देखिए भगवान राम यहाँ पहले से हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, भगवान राम यहाँ वर्षों से हैं, हमारे जीवन काल से पहले हैं, लेकिन भगवान राम पहले से हैं, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी राम को ला रहे हैं, और रही राम मंदिर, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना हुआ है, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, इसीलिए ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये माहौल है इस तरीके से, हम नंगे तो महाराम ही और ये नंगे तो महावीर स्वामी, क्या बात है, क्या कुछ कर रहा है, बादू लगाओ लगाओ लगाओ, आओ तो राम आगे जी, तो श्रेय क्यों नहीं ले, मंदिर बनाया ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है,
इनकी क्या औकात थी जब राम भक्तों में गोलियां चलवाई थी, लोकतंत्र की रक्षा की थी भगवान श्री राम, लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। राम मंदिर पे आया था, पहली बात ये है इनको पता यहां चर्चा की हो रही थी प्रत्याशी की, इनकी मंशाएं प्रत्याशी स्थानीय है या नोएडा से आएगा, भाई जनता की समस्या कौन सुनेगा, जो लोकल रह रहा है वो सुनेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। लोग जाते थे और खूब सुने, काम किए इतने सरल स्वभाव के सांसद थे कि गरीब से गरीब आदमी जो पांच साल मोल रहे ढूंढना पड़ रहा था, तमाशा अपना करके ही हंसाते हैं जमाने को, सीधे लोगों को यहाँ लोग जोकर समझते हैं, सीधे लोगों को जोकर समझ रहे हैं, सीधे बता रहे हैं। हरिओम यादव जी कौन थे भाजपा माने से पहले, गंगा जल से भैया सुनो, सुनील शर्मा जी कह रहे थे राम मंदिर की, इन्हीं के नारे में रहता है कि 500 वर्ष का वनवास, 500 वर्ष पहले भाजपा थी, अब मैं इनको बता देना चाहता हूँ। अरे शर्मा जी सनातन था, एक सनातन धर्म था भाई, सनातन कब ले रहा है, सनातन बाबा जाना भी तुम बोल रहे हो, तो पांच सालों से सनातन के साथ गंगा जल बिल्कुल बुलाओ, आत्माचार्य बुलाओ, अरे जो दुनिया बुलाए उनको बोला सनातन का भाई सनातन धर्म के रक्षक होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार शंकराचार्य, एक भी शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं पहुंचा था, उसकी चिंता आप अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, शंकराचार्य को पता था ना, अनिष्ट अनिष्ट प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देखिए सबसे पहले मैं अपनी जल्दी दो लाइन से मेरे को पूरी होने देना कि मैं अमन पसंद हूँ, कि मैं अमन पसंद हूँ और मेरे शहर में दंगा रहने दो, कि मैं अमन पसंद हूँ मेरे शहर में दंगा रहने दो और मत बांटो मुझे, और मत बांटो मुझे हिंदू और मुस्लिम में, मेरे शहर में, मेरे शहर में सिर्फ तिरंगा रहने दो। क्या बात है, अरे एक सेकंड जी जी एक सेकंड, मैं पूरी बात बोलने तैयार हूं, अभी 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 एक बात हो रही थी कि केरल में राम की प्रभु राम कण कण में वास करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या उनको कहना 2014 के बाद नहीं है, ऐसा तो नहीं है, राम तो हर हर जो भारत के वासी है उसके कण कण में राम मंदिर, राम भक्तों में गोलियां किसने चलवाई, पूरे देश ने देखा है कि नहीं देखा, लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र की कसम खाई धर्म से ऊपर संविधान और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अभी एक बात करते हैं सनातन की, सनातन जल्दी कम्प्लीट, गाय को किस चीज का दर्जा दिया जाता है, माता का, गाय को काटने वाली कंपनी से 252 करोड़ चंदा मोदी जी ले लेते हैं इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज अब मैं बात करता हूँ, अब मैं दूसरी चीज मैं एक और बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी का नारा या चेतावनी है, चलिए इनके एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई, इनके सांसद खुद इसी इन्हीं चीजों में संलिप्त है, सांसद के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह गोलियों की बाल के समक्ष खुले सीने लिए, गोलियों की बाल के समक्ष खुले सीने दिए और विश्वजीत ने का इतिहास जो हरा दिया, और मुट्ठी भर हार किंतु राम शक्ति का प्रताप, जालिमों के जुल्म का घमंड चितरा दिया, और आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोलियों की अंधी राज सत्ता का जरूर में गिरा दिया, और जहाँ पे परिंदा पर मार सकता था नहीं वहां पर भगवान निशान पे रहिए होता सत्य सत्य सनातन। चलिए आपका क्या पूछना है जल्दी, मेरा ये कहना है कि हमारे मोदी जी ने जो काम कराए हैं वो सभी को मालूम, और मैं इस सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे कार सेवकों पर गोली चली थी तो उस माँ से जाके पूछो जिसका एक ही लाल था जो वहाँ शहीद हो गया,
चलिए इस मंदिर की वजह से। और आज मोदी जी ने जो वहाँ मंदिर बनवाया है हमारे अयोध्या में, उससे उस माँ को बड़ी आत्मा से शांति मिली होगी। मेरा लाल कुर्बान तो हो गया, लेकिन वो मंदिर मोदी जी ने यहाँ बनवा दिया। क्या बात, जल्दी से खत्म। सनातन धर्म कहता है कि सनातन हमें सबसे सुंदर देव रामचंद्र और सीता जी की जोड़ी थी और कृष्ण जी सामने। जल्दी खत्म। मुझे ये बता दो, रामचंद्र जी काले काते जो इन्होंने असली जो राम की मूर्ति है, ये 3 किलोमीटर दूर राम रखी है, ये फर्जी मूर्ति। इन लोगों की राम में आस्था नहीं है, इन लोगों की राम में आस्था नहीं है। एफिडेविट देते हैं कोर्ट में, ये राम 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 क्या है, राम भी नहीं है, 84 भारतीय जनता पार्टी जो के है भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ी कर रही है। और आप लोगों को ये मालूम है कि ये नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहा जाता है फिरोजाबाद, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से और पास ही नहीं है अच्छे यादव, लाखों लाखों वोटों से फिरोजाबाद से आपके आप लोग उनकी बात सुनी जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर कहा एक बड़ा आरोप बता दें जरा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि लाखों वोटों से अच्छे यादव जीतेंगे, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ये उनका मानना है, वो मान रहे हैं लाखों से जीतेंगे, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जा रही है, 80 में 80 भाजपा जीत रही है। सपने देखने में क्या, करने के लिए 400 पार जा रही है, 80 में 80 जीतेंगे, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, परिवार के बाहर कोई समाजवादी पार्टी सपने देखने में कोई बुराई नहीं, सपने सभी देख सकते। देखिए न गीता से चलता है न चलता है कुरान से, ये चलता है जो सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। संविधान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये संविधान की रक्षा अगर किसी ने की है बाबा साहब के संविधान को, माननीय मोदी जी ने विश्व पटल पर ये दिखा दिया है कि भारत में सच्चा लोकतंत्र है। सब बेच दिया, ये संविधान की रक्षा कर रहे, सब कुछ बेच दिया, चाह रही है तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए सब कुछ बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जबकि हमारा देश ही बेच दिया लगभग इन्होंने। चुनाव होगा राष्ट्रवाद पे, क्या धन्यवाद। 5 तारीख के बाद ईवीएम बदनाम हो जाएगी, जैसे ही 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी तभी ईवीएम हो जाएगी। धन्यवाद, हमसे बात करने लगी थी। ये थे हमारे साथ भारत 24 के खास कार्यक्रम में, भारत के मन की बात के कार्यक्रम में। आज हमने जाना कि फिरोजाबाद के मन में आखिर क्या है, फिरोजाबाद के नेताओं के मन में क्या है, फिरोजाबाद की आवाम की नब्ज टटोलने का काम आज हमने इस कार्यक्रम में किया। फिलहाल इस कार्यक्रम में तमाम दलों से आए तमाम कार्यकर्ता समाज सेवियों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन फिरोजाबाद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो फिरोजाबाद पूरे विश्व में कांच के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जनपद फिरोजाबाद से इस बार पूर्व में बसपा से चुनाव लड़े ठाकुर विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार पूर्व सांसद अक्षय यादव मैदान में है, वहीं अभी बसपा से सत्येंद्र सोनी है जिनका टिकट कटने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में सियासी गणित और सियासी पारा क्या कुछ कहेगा और किसको यहां से विजयश्री मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत 24 के इस खास कार्यक्रम भारत के मन की बात के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए कार्यक्रम में नई लोकेशन के साथ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष संवाद।